जितेंद्र अग्रवाल आज किसलिए धरने पर बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, 50 साल पहला मंदिर बना हुआ उसका ध्वस्तीकरण किया गया है, जिसके लिए हम लोग सब यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। किसने ध्वस्तीकरण किया है, क्या पूरा मामला? ये ध्वस्तीकरण सैनी ने किया है, मैं बताऊंगा मेरे को पता है। और ये संजय वर्मा थाना अध्यक्ष के कहने पर हुआ सारा काम। सड़क से और कोसा अध्यक्ष भी भाजपा का रहा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ आज की तारीख में। ये 50 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे शास्त्री में कोई मंदिर नहीं था। तो 50 साल पहले नानू सिंह सैनी जी ने मंदिर बनाया था अपनी माता जी की याद में। ये मंदिर में लोग पूजा करते थे, क्या पुजारी भी छोड़ा था, पुजारी कमरा भी है। अभी लॉकडाउन के दौरान योगेश सैनी ने फर्जी कागज बनवा कर कि ये जो मेरे दादाजी ने मेरे नाम वसीयत कर दी थी उसके आधार पर उन्होंने कागज तैयार करवाए, और लॉकडाउन के अंदर 15-15 फीट चारों तरफ की दीवार कर दी उसकी मंदिर की, और उनने बुर्जी तोड़ दी और उसमें पुजारी को भगा दिया, सारी मूर्ति गायब कर दी। लॉकडाउन के बाद जब लोग घरों से निकले, हमारा भी ऑफिस खुला नहीं, सड़क में मेरा ऑफिस है, ये बताऊं। अब जो है रात एसओ नोचंदी ने, संजय वर्मा ने सेटिंग कर छत तोड़वा दी मंदिर की। हमने ये मांग करी, आज धरना दिया है मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, भजन दल भी है, सभी हिंदू समाज के लोग। हमारी ये मांग है एसओ बर्खास्त हो, योगेश सैनी गिरफ्तार हो और मंदिर की जो मूर्ति पुनः स्थापित हो, ये हमारी मांग है। इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, इसके लिए चाहे हमें जेल भी जाना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं।